स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और आज जो क्वेश्चन आपको बताएंगे ये इलॉन्गेशन ऑफ बार है। यहाँ पे हमारे पास एक बार है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बार दिया गया है जिसमें थ्री पार्ट्स इन्होंने किया है, ए बी बी सी एंड सी डी। क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ, डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ ऑफ बार। चेंज इन लेंथ ऑफ बार का मतलब हमें फाइंड करना है कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस अगर बार पे इस टाइप के कुछ फोर्सेस लग रहे हैं या लोड लग रहा है तो अंडर दीज लोड्स इस बार के लेंथ में क्या चेंज होगा। लेंथ आपका इंक्रीज हो सकता है, लेंथ आपका डिक्रीज हो सकता है, यही हमें फाइंड करना है। लेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा या कितना डिक्रीज होगा। और इसमें हमें गिवन है डायमीटर ऑफ बार, डायमीटर ऑफ बार दिया हुआ है 200 mm। तो हमें जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर ऑफ बार ये कितना दिया हुआ है 200 mm और हमें दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 GPa। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ है 200 GPa। और यहाँ पे जो बार है इस बार को 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट की लेंथ है 0.2 meter, सेकेंड पार्ट की लेंथ है 0.3 meter और थर्ड पार्ट की लेंथ है 0.4 meter। और इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड के लोड एक्ट कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे जो बार ए बी पार्ट है, पार्ट ए बी की जो वॉल ए है यहाँ पे 100 kN, वॉल बी पे 60 kN, वॉल सी पे 40 kN और डी पे 80 kN के फोर्स हैं। कुछ कंप्रेसिव और कुछ टेंसाइल नेचर के हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है कि अंडर दिस लोड इस बार में, बार की लेंथ में कितना चेंज होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ बार। तो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यहाँ पे यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ बार इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ लेंथ ऑफ इंडिविजुअल पार्ट। तो हम एक एक पार्ट की एनालिसिस करते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, हम पार्ट ए बी को फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं और पहले फाइंड करते हैं कि फर्स्ट पार्ट में कितना इलॉन्गेशन होगा। तो आप जानते हो जो फार्मूला होता है इलॉन्गेशन का, ये होता है डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए ई, चेंज इन लेंथ इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई होता है, वेयर पी इज द लोड, एल क्या है आपका लेंथ ऑफ बार, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ई इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये पूरा बार सेम मटेरियल का है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका सेम होगा सभी पार्ट के लिए। एरिया भी देखिए, ध्यान से देखिए, एक काम आपका यहाँ से आसान हो सकता है। क्या आसान हो सकता है, ये जो बार है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, मतलब पार्ट ए बी बी सी सी डी तीनों पार्ट इसमें यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसकी लेंथ ये जो ब्रेथ है सभी की सेम है, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, चूंकि आप फ्रंट व्यू देख रहे हो तो आपको ये दिख नहीं रहा है, एक्चुअल में इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, वो क्रॉस सेक्शन इसका ऐसे सर्कुलर है, ये एक रॉड है जो कि सर्कुलर शेप में है, इसका क्रॉस सेक्शन इस तरह से कुछ होगा और डायमीटर दिया है 200 mm। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, इस बार का एरिया फाइंड कर लेंगे तो वो हमें A1, A2, A3 तीनों सेम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम यहाँ फाइंड करना चाहें तो आप जानते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हम फाइंड कर सकते हैं फार्मूले से, क्योंकि ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ए इक्वल टू पाई बाई फोर डी स्क्वायर के फार्मूले से, यानी पाई बाई फोर डी स्क्वायर फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो यहाँ से हम क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देनी है, इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो डायमेंशन है। आप यहाँ देखिए लेंथ किस में दिया है, मीटर में, लोड दिया है किलो न्यूटन में,
और यहाँ पे जो डायमीटर है ये किस में दिया है, एमएम में, जबकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस ये किस में दिया है, गीगा पास्कल में। इसका मतलब जो यूनिट है ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो सबसे पहला काम हम ये सब एरिया भी निकालने से पहले क्या करेंगे, यूनिट को थ्रू आउट सेम करते हैं। जैसे हमारा डायमीटर एमएम में है तो इसको हम क्या करें, मीटर में चेंज कर लें, क्योंकि ये भी एक तरह से लेंथ की यूनिट है और ये भी लेंथ, यहाँ मीटर में है और यहाँ एमएम में है। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर। तो हमारा डायमीटर कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। तो ये 0.2 मीटर हो गया। अब एरिया फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, दैट इज 0.2 स्क्वायर। तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर से हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0.0314 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया। अब बात करते हैं ई की, क्योंकि हमें ई चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना दिया है, ये दिया है 200 गीगा पास्कल। हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है 200 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल आप जानते हो पास्कल का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो पास्कल जहां पे है वहां आप लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो लेंथ की यूनिट तो मीट कर रही है, लेकिन लोड देखिए, लोड किलो न्यूटन में है और ये न्यूटन में आ रहा है, गीगा न्यूटन में आ रहा है, तो इसको किलो न्यूटन में लेके आते हैं। तो आप जानते हो कि 200 इंटू गीगा को हम अगर न्यूटन में चेंज करते हैं तो 10^9 होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी भी हमारा काम फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि हमें ये चाहिए किलो न्यूटन में। क्यों, क्योंकि लोड हमारा किलो न्यूटन में है, तो इसको हम किलो न्यूटन में चेंज करेंगे। अब ये न्यूटन में आ गया है, तो न्यूटन को अगर किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो 10^3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 200 इंटू 10^9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, 10^6, और इसको लिखते हैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था वो यही था कि पहले यूनिट चेंज कर लो, यहाँ लेंथ मीटर में, यहाँ डायमीटर एमएम में था तो इसको मीटर में चेंज किया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें चाहिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जबकि हमें दिया था गीगा पास्कल में। तो गीगा का मतलब 10^9 न्यूटन होता है, तो गीगा पास्कल था तो 10^9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। फिर इसको 10^3 से डिवाइड किया तो ये 200 × 10^6 आ गया। ये कैसे आया 6, आप समझ गए होंगे, ये न्यूटन को जब हम किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो इसको 10^3 से डिवाइड करेंगे, तो जो नीचे 10^3 होगा वो ऊपर जाएगा, 10^9 - 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 200 × 10^6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना उम्मीद करता हूँ कि यूनिट कन्वर्जन आपको आता होगा, फिर भी मैंने इतना एक्सप्लेन किया आपके लिए कि अगर नहीं आता है तो आप इसको सीखिए और यूनिट कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ये एरिया। तो आप यहाँ देखिए जो क्रॉस सेक्शन है ये थ्रू आउट सेम है। थ्रू आउट सेम का मतलब ये होता है कि जो आपका ए वन है, यानी पार्ट वन को अगर हम ए वन मान लेते हैं तो ए वन हो गया, पार्ट टू ए टू, सेकेंड पार्ट ए थ्री, तो तीनों पार्ट का एरिया किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। जितना ये एरिया आया है, जितना ये एरिया आया है, यही तीनों पार्ट में यूज हो जाएगा, यही तीनों पार्ट में यूज हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट वन की एनालिसिस, एक एक पार्ट की एनालिसिस करेंगे और फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं। तो इसको देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट ए बी, इसको मैं यहां से अलग करता हूं, एक एक पार्ट की बी डी बनाएंगे और एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की लेंथ कितनी है, फर्स्ट पार्ट की लेंथ है 0.2 मीटर, यहां लिख दिया। इस पे फोर्स कितना लग रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इसको सीखिए कि हम जिस पार्ट की एनालिसिस कर रहे हैं उस पार्ट पे अगर हमें फोर्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम लेफ्ट से चल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को लेफ्ट से देखते हैं, तो सबसे लेफ्ट वॉल ये वर्टिकल है, इस पे कितना फोर्स है, 100 किलो न्यूटन। तो सबसे लास्ट में जितना फोर्स है उतना फोर्स आप फर्स्ट पार्ट के लिए लिख लो 100, और फिर इसको बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट उतना ही फोर्स दूसरे साइड पे लगा दो। तो ये फर्स्ट पार्ट की ये बीडी बन गई, ये फर्स्ट पार्ट बन गया। तो फर्स्ट पार्ट पे फोर्स कितना आ गया, 100 किलो न्यूटन। अब इसका इलोंगेशन फाइंड करेंगे, तो डेल एल वन, ये फर्स्ट पार्ट है जिसको मैं लिख रहा हूँ डेल एल वन, इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा पी वन एल वन, ये एल है,
P1L1, ये L है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं स्मॉल L मैंने बनाने की आदत है वही मैं बनाने जा रहा था, यहाँ कैपिटल लिखा हो तो यहाँ भी कैपिटल, P1L1 अपॉन A1E, ये डेल L1 होगा। तो यहाँ पे देखिए P1 कितना है 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन, L1 कितना है 0.2, इसको डिवाइड करना है A1 से, तो फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना है जितना A है, और A कितना है 0.0314, तो 0.0314 इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सभी पार्ट के लिए सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, तो ये कितना है 200 × 10⁶, तो यहाँ लिखेंगे 200 × 10⁶। ये फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में इलांगेशन का, इसलिए एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझो जिससे आगे के क्वेश्चन थोड़ा जल्दी आप सॉल्व कर सको। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी आप आराम से इसको हमारे साथ समझिए। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और डेल एल वन फाइंड करते हैं, तो ये आ गया इक्वल टू 10⁻ के फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको 10⁶ के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये 10⁶ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁶ हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.18 इंटू, ये 10⁶ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ -6, और ये किस में आएगा मीटर में, क्योंकि लेंथ की यूनिट हम लोगों ने थ्रू आउट मीटर में चेंज किया है। तो ये आ गया डेल एल वन। अब सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट हमेशा फोर्स जब हम निकालते हैं या कह सकते हैं लोड निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही आती है जो मिडिल पोर्शन होता है। इसकी लेंथ कितनी है 0.3 मीटर, ये 0.2 मीटर था। अब इस पर फोर्स कैसे निकालें भाई, फर्स्ट पार्ट में तो एक ही लोड था 100 किलो न्यूटन, जितना इस पर लग रहा था उतना यहाँ लगा दिए और इसके अपोजिट इस तरफ लगा दिए, लेकिन इस पर हम कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। जब आप मिडिल पोर्शन में आइए या किसी भी पोर्शन पे जाइए तो आप चेक करिए कि उस लाइन पे कितना फोर्स लग रहा है जहां से वो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ऑन द लाइन कितना है इस पे 60 किलो न्यूटन। मैं एक लाइन खींच के आपको यहां समझाता हूं, आपको मैं एक लाइन खींच के बताता हूं, लोड में यहां निकाल रहा हूं पार्ट टू के लिए एक ऐसे लाइन खींच लिया, ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, यानी ये वाली लाइन, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है ऑन द लाइन, कितना फोर्स लग रहा है कहीं पर भी लगा दो इस पे, तो इस पे ऑन द लाइन लेफ्ट वर्ड लग रहा है 60 किलो न्यूटन। 60 किलो न्यूटन किस तरफ लग रहा है, लेफ्ट की तरफ, तो ऑन द लाइन प्लस लेफ्ट साइड द लाइन, इस लाइन के लेफ्ट से कितना फोर्स आ रहा है, ये इस पे भी आ रहा है तो ये आ रहा है 100 किलो न्यूटन। इसका डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। अब आप बताइए सेकेंड लाइन पे, फिर से समझो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, आप अपनी कॉपी में नोट करिए एक फार्मूले की तरह, क्या कि ऑन द लाइन हम देखेंगे मिडिल पोर्शन अगर है कहीं पर भी ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा, तो ऑन द लाइन कितना फोर्स लग रहा है प्लस उस लाइन के लेफ्ट प्लस लेफ्ट साइड कितना लोड लग रहा है, इसको आप एज अ फार्मूला यूज करिएगा, कभी फेल्योर नहीं होगे लोड निकालने में, लोड फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसको आप एज अ फार्मूला यूज करिएगा, कभी भी फेल नहीं होंगे, हमेशा सक्सेस होगे। ऑन द लाइन चेक करो उस पार्ट को, तो ऑन द लाइन कितना है 60 किलो न्यूटन, प्लस लेफ्ट साइड द लाइन कितना है, इस 60 के लेफ्ट साइड 100, लेकिन दोनों अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो इसका जो नेट फोर्स इस पे आएगा वो कितना आएगा, तो पहले देख लो डायरेक्शन क्या होगा, 100 वाला ज्यादा है तो जो भी नेट फोर्स आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, 100 - 60 कर दो कितना आ गया 40 किलो न्यूटन, और ये अंदर की तरफ लगेगा, यानी सेकेंड पार्ट पे कितना लोड लगेगा 40 किलो न्यूटन। है बहुत आसान लेकिन फर्स्ट है मैं इसलिए आपको बहुत आराम से समझा रहा हूँ, 60 - 100 किया 40 आ गया अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्यों, क्योंकि ये वाला ज़्यादा है, जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगा नेट फोर्स उसी तरफ आता है, तो ये 40। अब इतना ही इसके अपोजिट इस तरफ लगा दो, एक ही तरफ एनालिसिस करते हैं दूसरी तरफ उतना ही फोर्स लगा देते हैं, आप कैलकुलेशन चेक करोगे तो इस तरफ उतना ही फोर्स आता है। तो अब हम लोग निकालते हैं डेल एल टू, फार्मूला हो जाएगा P2L2 / A2E, तो P2 आपका कितना है 40 किलो न्यूटन, 40 × L कितना है 0.3 अपॉन एरिया, एरिया सेम होगा A2, क्योंकि आप जानते हो ये थ्रू आउट तीनों पार्ट का क्रॉस सेक्शन सेम है, ये बार यूनिफॉर्म है, और जब बार यूनिफॉर्म है तो एरिया भी थ्रू आउट सेम होगा, तो ये हो जाएगा एरिया कितना आया था हम लोग का 0.0314 एंड E कितना आया है
सेम है 200 इंटू 10 टू द पावर 6, इसको भी डेसिमल में नहीं ला रहे हैं, 10 टू द पावर 6 ऊपर जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा डेल L2 आ जाएगा 1.91 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लिया करिए एक बार, अगर कभी कोई करेक्शन आपको लगता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाया करिए, क्योंकि बाद में मैं वीडियो को देखता हूं, अगर मुझे लगता है कि नहीं कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो मैं उसको करेक्शन जो भी होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करता हूं, तो वहां से आप उसको एक बार मैच करा लिया करिए। फिर भी आप लोग भी कैलकुलेशन करिए, कुछ चेंज आता है कैलकुलेशन में, एरर आता है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो। तो डेल L2 आ गया। अब इसी तरीके से थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट का है BD बनाते हैं और थर्ड पार्ट पे निकालते हैं लोड, थर्ड पार्ट पे निकालते हैं लोड कितना है, लेंथ है इसका 0.4 मीटर। देखिए थर्ड पार्ट यहाँ पे लास्ट पार्ट है, अगर बीच में होता थर्ड और ये फोर्थ पार्ट भी होता तब ये फार्मूला लगाते हैं ऑन द लाइन प्लस लेफ्ट साइड द लाइन। इसमें क्या करो, सबसे लास्ट वाली लाइन पे नेट फोर्स देख लो, तो लास्ट वाली लाइन पे नेट फोर्स क्या है, 80 किलो न्यूटन। कितना है अंदर की तरफ, क्योंकि आप जानते हो लास्ट पार्ट है, इसके आगे कुछ भी नहीं, तो जितना इस पे है उसका अपोजिट उतना ही इस पे लगा दो, यही आएगा। अभी मैं इसको आपको क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ, देखिए इसको आप चाहो तो फार्मूले से चेक कर लो। वैसे फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट इन दोनों में सबसे किनारे वाली वॉल चेक कर लेते हैं, सेंटर के लिए इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं, जल्दी में आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हो तो ऑन द लाइन कितना है 40 अंदर की तरफ, प्लस लेफ्ट साइड कितना है 60, तो ये 60 अपोजिट है, प्लस लेफ्ट साइड 100 भी है। तो नेट फोर्स अगर इस वॉल की हम बात करें थर्ड पार्ट की, मैं थोड़ा सा इस पेज को आगे बढ़ाता हूँ, ये अगर मैं पार्ट थर्ड की बात करूं, केवल आपको मैं क्रॉस चेक करा रहा हूं, बाकी आप लास्ट में बस यही चेक किया करो, अगर ये 80 है तो 80 ही आएगा, लेकिन मैं चेक कराता हूं कैसे। देखिए इस पे लग रहा है ऑन द लाइन 40, लेफ्ट साइड कितना लग रहा है 60, और ये 60 लग रहा है लेफ्ट वर्ड, इसका डायरेक्शन अपोजिट है 60 का, और एक फोर्स है इसके लेफ्ट साइड ही है 100, ये अंदर की तरफ है। तो अब देखो कुल नेट फोर्स इस पे कितना आएगा, ये 100 जो अंदर की तरफ और 40 अंदर की तरफ, 140 माइनस 60 कितना आएगा 80, नेचर कैसा होगा कंप्रेसिव, उतना ही आया फार्मूले से ऑन द लाइन प्लस लेफ्ट साइड। तो आप इतना काम मत करिए, क्योंकि लास्ट पार्ट है तो यही देख लो, ये बार बैलेंस होता है, अगर ये 80 है तो इस तरफ 80 ही आएगा। अब निकालिए डेल L3, आप ये वीडियो एक बार में समझ में आया दो बार देखिएगा, एक क्वेश्चन समझ जाओगे आप सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि मैंने इसमें जितना भी इसका कॉन्सेप्ट हो सकता है सब समझाने की कोशिश किया है आपको। तो A3E करेंगे तो P3 हमारा आया है 80 इंटू L3 कितना है 0.4 P3 L3 अपॉन A3 अगेन 0.0314 इंटू E 200 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये जो वैल्यू आ गया इसको कैलकुलेट करने के बाद डेल L3 हमारा आया, ये कितना आ जाएगा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, माइनस क्यों, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा मीटर, ये आ गया डेल L3। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इंडिविजुअल पार्ट का इलोंगेशन फाइंड किया। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देयरफॉर वी कैन से टोटल इलोंगेशन ऑफ बार। अब क्या करेंगे, इनका डेल्टा L, डेल L इक्वल टू इंडिविजुअल का सम कर लेंगे। ये होता है फार्मूला होता है डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3, ये फार्मूला होता है, लेकिन ये क्या होता है एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब अगर टेंसाइल है तो पॉजिटिव, ये कैसा होगा, यहाँ देखो 100 किलो न्यूटन बार को दबा रहा है तो ये कंप्रेसिव होगा माइनस होगा, यहाँ भी 40 दबा रहा है तो यहाँ भी कंप्रेशन है, यहाँ भी दबा रहा है तो यहाँ भी कंप्रेशन है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे देयरफॉर डेल L इक्वल टू हमारा डेल L1 कितना हो जाएगा माइनस 3.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। बेटा माइनस क्यों लिखा, माइनस इसलिए क्योंकि कंप्रेशन है, यहाँ बार में इलांगेशन नहीं है, बार खींच नहीं रहा है, बार दब रहा है, दबेगा तो लेंथ कम हो रही है, मैग्नीट्यूड तो इतना होगा लेकिन कंप्रेशन होगा माइनस, सेकेंड भी देखो कंप्रेशन है तो इसको भी लिखेंगे माइनस। आप चाहो तो इसी फार्मूले में ही माइनस माइनस लिख सकते थे, ये तो मैंने जनरल फार्मूला लिखा है, लेकिन हम वैल्यूज लेंगे, कंप्रेशन है तो निगेटिव है, लेंथ बढ़ेगी नहीं, कंप्रेशन है तो कम होगी, ये कितना है माइनस 1.91 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस थर्ड है हमारा 5.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और ये टोटल जो इलांगेशन आ गया डेल L हमारा ये आ गया इक्वल टू माइनस 1.09
0.18 इंटू 10^-6 मीटर, -6 मीटर, या फिर अगर इसको हम चाहें तो mm में भी चेंज कर सकते हैं, इक्वल टू अगर mm में चेंज करेंगे तो इंटू 10^3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10^3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 10^-3 बचेगा mm के लिए, तो हम लिख सकते हैं -0.010, और ये 18 है, 8 है एक इधर लाएंगे तो 2 लिख सकते हैं, या 0.01018 mm mm। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस का मतलब लिख दे रहा हूँ कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स यहाँ पे इलोंगेशन नहीं हो रहा है, बार विल बी कंप्रेस्ड, बॉल विल बी कंप्रेस्ड, या फिर आप इसको लिख सकते हो लेंथ विल बी रिड्यूस्ड, आप इसे बार विल बी कंप्रेस्ड लिख सकते हो या फिर लेंथ विल बी रिड्यूस्ड। तो हमारा आंसर जो आया डेल्टा एल इक्वल टू ये आ गया, ये आ गया -0.01018 mm, mm में मैंने इसको निकाल दिया लेंथ को। आप चाहो तो इसे आप मीटर में ही छोड़ सकते हो, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इलांगेशन आप बार फाइंड करना आपके समझ में आया होगा और आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखा होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपनी टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। थैंक यू।